हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा ट्राई कीजिए और वहाँ पे हमें उससे बताइए कि उसमें 1 pound चीज़ है या नहीं है। तो वी विल ट्राई इट सम टाइम लेटर, बट वो चीज़ है अभी मेरे दिमाग में, तो वी विल डू इट। बट अभी उस चीज़ से रिलेटेड मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक किया, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए ये प्रोडक्ट मंगाया है। तो पहले इस वीडियो में सिर्फ मैं इसे दिखाऊंगा और इसका क्या काम है वो हम आपको फर्दर आगे वाले वीडियो में दिखा देंगे। तो बेसिकली दिस इज़ अ किचन मेजरिंग स्केल, जिसमें कि आप वेट कर सकते हैं। वेइंग मशीन है एक तरह का, ठीक है। इसका लिमिट जनरली है 1 gram से लेकर के 10 kgs तक, इससे ऊपर मत डालिएगा, ठीक है। और इसको हम अभी ओपन करके दिखाएंगे। तो ये मैं ओपन करके एक बार चेक कर चुका हूँ आपके सामने, ये मैं दोबारा ओपन करूँगा। और दिस कॉस्टेड मी अराउंड मोर ओवर 320। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले इसका बेसिक यूज़ जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप बेकिंग करते हैं, अब जनरली मतलब स्पेसिफिकली अगर आप स्वीट बेकिंग करते हैं, मीठे चीज़ों का बेकिंग अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मेजरिंग का जो बहुत मेजर रोल होता है कि आप क्या चीज़ किस प्रोपोर्शन में लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको ओपन करते हैं। सो तो यहाँ तो पहले मेंशन कर दूँ कि ये बैटरी ऑपरेटेड वेइंग मशीन है, तो आपको ये 2 batteries लगेंगे अगर ये आप ओवर हो जाते हैं। और ये रिचार्जेबल बैटरीज नहीं है, ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो अगर ये आप यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अगर इसका बैटरी का सेल ख़त्म हो जाता है, तो आपको नए बैटरी रिप्लेस करने पड़ेंगे। बट मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आपको जब इसका यूज़ नहीं हो, तो आप वेइंग मशीन से इस बैटरी को निकाल दें, क्योंकि जनरली जितने भी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं उसमें बैटरी जब तक लगे रहती है तो वो ऑन यूज़ रहता है, बट धीरे धीरे बैटरी उसमें ड्रेन होते जाता है। आई डोंट नो इट साइंटिफिकली, बट दिस हैपेंस, सो बेटर बी श्योर। तो कुछ ऐसा सा है हमारा वेइंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 buttons मिल जाते हैं, मोड का, एक टार का और ऑन ऑफ का बटन है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए ऑप्शन होगा, तो लेट मी शो यू। तो ये देखिए, बैटरी आप जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे ग्रीन लाइट यहाँ पे आपको ग्लो करने लगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर मैं रखता हूँ तो इसका यहाँ पे मेज़र मेरे को शो करने लगेगा, ठीक है। सो लेट मी गिव यू अ क्लोज़र लुक, ठीक है। और यहाँ पे 2 other buttons है, उसका भी मैं यूज़ बताऊँगा। ये टेयर का जो बटन है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ रख रहे हैं, ठीक है। सपोज़ दैट आई यूज़ ऐसे, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे इसको रख दूँ, ठीक है, इटिक राउंड के अराउंड, और अगर मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वज़न मेरे लिए अब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जितना भी अतिरिक्त वज़न आएगा, ठीक है, मतलब जो भी इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा वेट डालूँगा, तो उसका वेट ये ले लेगा और सिर्फ उसी का वेट बताएगा, इसका वेट इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। ये किस काम के लिए यूज़ हो सकता है, सपोज़ दैट कि आप कोई भी एक मेजरिंग यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं, प्लेट वगैरह या भी कुछ भी, और उसके ऊपर आप फ्लावर मेजरिंग करना चाहते हैं, लाइक वाइट फ्लावर, मैदा जो कि बेकिंग में यूज़ होता है वो आप रख रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर डायरेक्टली तो नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी प्लेट वगैरह रख रहे हैं और उसके ऊपर, तो आपको पहले उसमें प्लेट रखने के बाद टेयर प्रेस करना है, और फिर क्या होगा, जो प्लेट का वज़न होगा वो उसको रिमूव करके 0 पे आ जाएगा आपका मेजरिंग स्केल। अब उसके ऊपर आप जितना भी डालेंगे अमाउंट, तो वो आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेयर वाला चीज़ मैं आपको क्लोज लुक में दे दूंगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि एक और बटन है, ये जो मोड का बटन क्या है, ठीक है। जैसे कि आप एक SI यूनिट का मतलब समझते होंगे, तो SI यूनिट जनरली क्या हुआ कि आपका जो यूनिट, आप किस यूनिट में आप मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 units है, OZ का यूनिट है और ग्राम का यूनिट है, ठीक है। तो अगर आप जनरली ग्राम इज़ मोर प्रेफरेंशियल, तो हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि आप OZ में लें, तो आप यहाँ मोड पे जैसे ही प्रेस करेंगे, तो आपका जो भी मेजरिंग वेट आएगा वो OZ स्केल में ही आएगा।
सो लेट मी शो यू कि ये काम कैसे करता है. टेयर वाला आपको क्लोज लुक देना जरूरी है, ठीक है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए जीरो का बटन आ रहा है, ठीक है. और जैसे ही हम इस पे प्रेस करते हैं ऐसे, तो ये देखिए आपका 80 ग्राम्स यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा. तो ये 80 ग्राम्स का वजन जो है, आप जैसे ही इसमें टेयर पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए जीरो हो गया, ठीक है. अब इसके ऊपर जितना भी ओवरवेट आएगा, सपोज दैट व्हाट टू पुट, ओके फॉर नाउ एट एन इंस्टेंस हमको जल्दी में यही मिला, तो ये क्लॉथ पीस है, मैंने इसे रख दिया. तो ये जो 58 ग्राम्स है ये क्लॉथ का वजन है, इसमें किसी भी तरीके से ये बॉक्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. तो जितना भी आपका वेट दिख रहा होगा आपको, ये टोटली इसका क्लॉथ का वेट है. तो इस तरीके से ये टेयर मोड काम करता है. बाय द वे इसमें एक और चीज़ मिलती है जो कि ज़्यादा काम की मुझे लगती है, ये तो ये भी इसके साथ मिलेगा टाइम पास. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करते जाना, हमारी फैमिली को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियो कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.